स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है अभी 9:58। तो अभी सुबह पहले तैयार हो गया था मैं, जाना था हमें आज धारूहेड़ा, तो तैयार हो गया था। तो बॉस का फ़ोन आया कि आज पीएम का कुछ है गुड़गांव में, तो इसीलिए लेट चलेंगे। तो मैं फिर अभी आया हूँ ड्यूटी, तो अभी चलते हैं धारूहेड़ा के लिए, निकलते हैं। रास्ते में जो जो जहाँ जहाँ जाते हैं आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं फिर। दोस्तों निकल चुके हैं ऑफिस से, और ऑफिस से निकलने के बाद जब हम सूरज कुंड गोल चक्कर से सीधा मानव रचना की तरफ आते हैं, तो आगे मानव रचना पार करने के बाद जो है कि एक तो रास्ता लेफ्ट के लिए मुड़ जाता है बिल्कुल, जो बड़कल जाता है, और एक रास्ता मुड़ जाता है राइट के लिए जो क्रसर जोन के लिए जाता है। तो उधर मुड़ चुके हैं हम अभी। दोस्तों सूरज कुंड वाला रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जब हम मानव रचना के लिए आते हैं सूरज कुंड से, तो वो रास्ता पैचेस वगैरह लगा करके इतने ज़्यादा खड्डे हुए पड़े हैं, उस पर गाड़ी की हालत हो जाती है ख़राब। 60 से ऊपर गाड़ी चल नहीं पाती, उससे नीचे ही चल पाती है जहाँ तक है, खड्डे बहुत हैं। तो मैं अभी चल रहा हूँ ये फरीदाबाद गुड़गांव पहाड़ी वाला रास्ता है पीछे वाला, और इस पर भी स्पीड लिमिट कहीं पर 60 लिखा हुआ है, कहीं पर 50 लिखा हुआ है, कहीं पर 80 लिखा हुआ है, कहीं पर 90 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कितने की स्पीड में गाड़ी चलाएं, लेकिन फिर भी यहाँ पे चलाते रहते हैं, 100 तक तो जाती है गाड़ी यहाँ पे। तो दोस्तों मैं अभी पहुँच गया हूँ पाली पार करने के बाद आपका ग्वाल पहाड़ी, और राइट अभी सामने ग्वाल पहाड़ी का रेड लाइट आने वाला है, ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं आगे। मैं ग्वाल पहाड़ी पार कर गया हूँ, और पार करने के बाद अभी जो लास्ट रेड लाइट आएगा, ये ढलान उतरने के बाद रेड लाइट आता है एक, वो लास्ट है इस रोड का रेड लाइट। वो हमें भी यहाँ से अभी सीधा ही जाना है, हमें जाना है एमजी रोड होते हुए, मैरोली गुड़गांव रोड होते हुए हमें जाना है नेशनल हाईवे 8 पे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ एमजी रोड पे, और एमजी रोड पे जब आप चढ़ते हैं ना, तो इस पे गाड़ी की स्पीड अपनी 50 ही रखा करें, क्योंकि आजकल गुड़गांव में भी चालान बहुत ज़्यादा स्पीड के कटने लग गए हैं, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे भी गाड़ी की स्पीड 50 पे ही रखें, मैं तो इस पे 50 पे ही रखता हूँ सदा। जाएंगे तो तीन जगह कैमरा लगा हुआ है इसमें, पीछे सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर के और जो एमबी रोड का मेट्रो स्टेशन आता है, इस बीच में तीन जगह कैमरा लगाया है इन्होंने। और सोचिए 1 किलोमीटर है, इन दोनों स्टेशन का डिस्टेंस 1 किलोमीटर ही है, और इसमें तीन जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि गुड़गांव में जो है कि ट्रैफिक को सुधारने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप जब इस रोड पर आएँ तो 50 पे गाड़ी रखें। अभी देखिए सामने राइट साइड में ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो दिखता नहीं है ढंग से, ठीक है दोस्तों? वो देखिए दिख रहा होगा आपको सामने कैमरा, लेकिन वो दिखता नहीं है ढंग से दूर से जब आते हैं। तो दिल्ली में तो अलग ही दिख जाता है कि कैमरा है, लेकिन यहाँ गुड़गांव में जो जो कैमरे लगे हैं वो दिखता नहीं है सही से। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ आपका, ये अंडरपास नया बना है, जब हम सिग्नेचर टावर से आते हैं गुड़गांव में सिग्नेचर टावर की तरफ से, NH8 के बगल में ही सिग्नेचर टावर है, जब उधर से आते हैं तो हुड्डा सिटी मेट्रो के लिए, हुड्डा सिटी मेट्रो इसके ऊपर है, ये अंडरपास नया बना है, ये हमें सेक्टर 45 की तरफ मोड़ देगा, और बिल्कुल इस रोड पे बिल्कुल सीधा चलते रहेंगे तो NH8 पे आप पहुंच जाएंगे। तो पीछे आज वो राष्ट्रपति मुर्मू का कुछ प्रोग्राम है, पता नहीं गुड़गांव में है कि कहाँ है, हमें भी नहीं पता, हमने देखा नहीं। तो NH8 पे लगा हुआ था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो इसीलिए उधर से घुमा करके आ गया मैं गाड़ी लेके इधर, क्योंकि जाना तो हमें NH8 ही है। आई थिंक इधर से जाएंगे तो सुभाष चौक पार करते हुए होंडा चौक तो निकल ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं आगे। दोस्तों आ गया हूँ मैं अभी सुभाष चौक का फ्लाईओवर चढ़ रहा हूँ, पहले ये फ्लाईओवर हुआ नहीं करता था, ये भी अभी 5-7 साल पहले ही बना है फ्लाईओवर, ठीक है दोस्तों? तो इस फ्लाईओवर पर अभी चढ़ रहे हैं, इस फ्लाईओवर को पार करते हुए बिल्कुल सीधा जाएंगे तो आगे अंडरपास आ जाएगा होंडा चौक का, और हीरो होंडा का जहाँ पे बाइक बनती है उसका फैक्ट्री आ जाएगा राइट साइड में। हमें उस अंडरपास में नहीं जाना, उससे लेना है हमें लेफ्ट। तो दोस्तों मैं NH8 पे आ चुका हूँ, अंडरपास से पहले लेफ्ट ले लिया है मैंने, और नेशनल हाईवे 8 पे पहुँच चुका हूँ जयपुर हाईवे। तो चलते हैं यहाँ से, अभी पहले जाएँगे पास्को टाटा में, ये टोल से पहले टाटा का है पास्को, उसमें जाना है एक सेल्फी लेने के लिए। तो यू टर्न करके तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, इसलिए गाड़ी लेफ्ट में ही खड़ा कर लूँगा। ऊपर से जैसे ये ब्रिज आ रहा है ना, उसी तरह वहाँ पे एक ब्रिज उतरने वाला है, तो बस वहाँ से पैदल चले जाएंगे। दोस्तों गुड़गांव से निकल करके मैं आ गया हूँ बिलासपुर, और बिलासपुर में यहाँ पे एक अशोक लीलैंड का है, तो अशोक लीलैंड पर अभी चलते हैं, यहाँ पर भी एक गाड़ी सर्वे करनी है, तो चलते हैं अभी। अभी यहाँ पर आपको ये बसें वगैरह खड़ी दिख रही है ना, बस यही है अशोक लीलैंड का, तो चलते हैं अभी इधर।
दोस्तों बिलासपुर पार करने के बाद वापस आ चुके हैं अभी NH8 पे फिर से, और मैं हूँ अभी भिवाड़ी। ठीक है दोस्तों, भिवाड़ी के लिए वैसे अंदर सिटी के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये हाईवे है ना, भिवाड़ी में लगता है ये हाईवे। तो चलते हैं फिर आगे। अभी टाइम हो रहा है 12:34, और राष्ट्रपति मुर्मू की वजह से आज जो है कि सारा प्लान चौपट हो गया। ट्रैफिक तो मिला ही एकदम ज़बरदस्त वाला। ठीक है दोस्तों, तो अभी करते हैं गाड़ी पार्क, और निकले थे ऑफिस से 10 बजे और 12:30 पहुँचे हैं। देखा जाए तो ठीक ठाक ही पहुँच गया, और रास्ते में 2 जगह भी सेल्फी करना था वो भी किया है, तो ठीक है। दोस्तों ये वो 3 गाड़ियाँ हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं सिसोदिया ऑटोमोबाइल्स धारूहेड़ा में। देख सकते हैं आप, पहली गाड़ी वो थी, दूसरी गाड़ी ये है, और तीनों ही एकदम विकट वाला एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी ये वाली तो थोड़ी कम है, इसका चेचिस बैंड है, और पीछे वाली गाड़ी तो जो दो देखा था उसका तो हालत बिल्कुल ही एकदम ख़त्म सा है। तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि KMP लेंगे, सामने रोड आपको दिख रहा होगा। वापस निकल चुके हैं अभी हम दारूहेड़ा से, तो आ गए हैं यहाँ पे बिलासपुर, बिलासपुर पे जहाँ पे KMP रोड है, जो पलवल के लिए जाने को सोच रहे थे यहाँ से सीधा ना जा करके, लेकिन अभी मुर्मू का जो है कि यहाँ से ट्रक आगे नहीं जाने दिया जा रहा, जो हैवी व्हीकल होता है ट्रक चाहे कुछ भी, मतलब माल वहाँ कोई भी गाड़ी इधर जाने नहीं दिया जा रहा है, सीधा सबको लेफ्ट में भगा दिया जा रहा है KMP चढ़ा करके। तो वो पलवल होते हुए अगर किसी को दिल्ली जाना है तो पलवल होते हुए जाएगा दिल्ली, तो हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन फिर बाद में बॉस ने बोला ले लो सीधा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुर्मू तो गुड़गांव में नहीं बिलासपुर में आई हुई है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं गुड़गांव साइबर सिटी, और थोड़ा सा टोल पे ट्रैफिक मिला था और तो कहीं मिला नहीं, क्योंकि ना जाने वही कमर्शियल व्हीकल को वहीं से वापस कर रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ट्रैफिक मिला है टोल पे। ट्रक वगैरह तो थे ही थोड़े बहुत मेरे ख्याल से, हो सकता है जो मानेसर वगैरह से जो ट्रक आती है दिल्ली की तरफ जाती है उसका ट्रैफिक था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अभी आगे। तो वापस आ गए हैं अभी गुड़गांव फरीदाबाद वाले पहाड़ी वाले रास्ते पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मेरे ख्याल से 40 मिनट ही लगेगा ऑफिस पहुँचने में, तो चलते हैं फिर आगे। दोस्तों ये जो आपको सामने पहाड़ जैसा दिख रहा है, ये पहाड़ नहीं है, ये कूड़े का ढेर है। ये आज से 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था यहाँ पर कूड़ा डलना, और 5 साल में देख लो कैसा पहाड़ जैसा बन गया है, और यहाँ पे स्मेल ना बहुत ही बुरा आता है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना बुरा वाला स्मेल, वो वाला स्मेल आता है यहाँ पे। तो अब टाइम हो रहा है 3:07, और अभी जस्ट पहुँचे हैं धारूहेड़ा से, और दीपक भाई अपने काम में लगे हुए हैं, है दीपक भाई, और अभी खाने खाते हैं क्योंकि भूख लग रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला, और थोड़ी तबीयत भी ख़राब सी लग रही है, जुकाम जैसा हो रहा है, और छा करके छींक भी आ रही है, खांसी भी हो रही है, देखते हैं। तो पहले खाते हैं खाना, फिर देखते हैं क्या करना है। दोस्तों आज का खाना यह है मेरा लंच, और 3:15 हो रहा है, अभी लंच कर लेते हैं, रोटी है और आलू बैंगन की सब्जी है। दोस्तों अभी बज रहा है 4:15, और चाय मट्ठी लेकर के आए हैं, तो अभी खाते हैं चाय और मट्ठी। ठीक है, और उसके बाद 1-1.5 घंटे गाड़ी में सोएंगे क्योंकि नींद आ रही है थोड़ी सी। चाय लेने के लिए वो कहाँ गया कौन राजन गया ऑफिस।